ये रिवाज यूके की चार पोल नोज स्ट्रिप्स हैं, जिनका बेसिक पर्पज़ ये है कि नाक के ऊपर मौजूद पोर्स को क्लियर किया जा सके, चाहे वो छोटे बाल हों या सपोजिटली ब्लैक हेड्स हों। जैसे कि इसके ऊपर लिखा हुआ है, इंस्टेंट रिमूव, इंस्टेंट इंस्टेंटली होना चाहिए, स्पेलिंग ग्रामेटिकल मिस्टेक। इंस्टेंट रिमूव्स डर्ट, ब्लैक हेड्स एंड एक्सेसिव ऑयल, अनक्लॉग एंड टाइटन पोर्स, रिफ्रेश योर स्किन। और इसके अंदर छः स्ट्रिप्स आती हैं, इसको मैं इस्तेमाल कर चुकी हूँ, मेरे ख्याल में दो या तीन स्ट्रिप्स मैं इस्तेमाल कर चुकी हूँ। यहाँ पर जो है वो पीछे इसकी सारी इंस्ट्रक्शंस गिवन है कि इसको आप इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हैं, प्रिकॉशंस हैं कि किन चीज़ों का ख्याल करने की ज़रूरत है। सो बेसिकली होना ये चाहिए कि मुंह जिस जगह पर आप इस्तेमाल करें नाक उसको वो साफ होना चाहिए, उसके ऊपर ऑयली रेजिड्यू नहीं होना चाहिए, सोप से वाटर से साफ़ कर लें। और फिर उसके बाद नाक को अपनी गीला कर लेना है प्रॉपरली, ताकि वो अच्छे से जो है उसके ऊपर ये स्ट्रिप जो है वो चिपक सके। अगर वो गीला नहीं होगा नाक तो वो नहीं चिपकेगी। और क्लीन वार्म वाटर के साथ उसको आपने गीला करना है। और फिर उसके बाद जो है इस तरह से इसके अंदर जो स्ट्रिप है इंडिविजुअली पैक्ड आती है, इसको आपने खोल लेना है। और कुछ इस फॉर्मेट में वो होगी, अंदर एक प्लास्टिक की स्ट्रिप है जिसके ऊपर ये चिपकी हुई है। तो ये जो इसका काला वाला हिस्सा है, बेसिकली जो काला वाला हिस्सा है ये जो है वो स्टिकी है, ये इस तरफ चिपक सकती है, ये वाली साइड जो है ये नहीं चिपकेगी। और इसकी जो कॉन्टोर और शेप है वो तकरीबन नाक के हिसाब से बनाया हुआ है। तो जैसे अगर मेरे पास ये नोज़ी है किसी की, तो ये नोज़ी है और ये नोज़ी का एज है और नॉस्ट्रिल सेंट पर है, तो इसको हमने गीला किया हुआ है और इस तरह से नोज़ी के ऊपर इसको चिपका देंगे, नोज़ी जबकि गीली है। और उससे पहले हमें इसको इस तरह से उतार लेना होगा और इस तरह नोज़ के ऊपर जो है वो लगा देना है, और फिर वेट करना है जब तक कि वो कम्प्लीटली ड्राई नहीं हो रहा। ड्राई होने के बाद आप उसको ऐसे करके पुल कर लेंगे और उसके ऊपर जो है वो सारी चीज़ें चीज़ें जो है वो चिपक के उतर आएंगी।